हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, टॉपिक जो हमारा चल रहा है ऊर्जा व ऊर्जा के प्रकार, जिसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सरल लोलक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके 10th क्लास में दिया गया है साइंस राजस्थान बोर्ड के अंदर, सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। उसका जो फार्मूला बुक में दिया हुआ है वो पूरा क्लियर नहीं किया हुआ, मैं आपको वो फार्मूला कैसे आया है वो सारा क्लियर कर दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन और रिवार्ड है। तो आपका लाइक मिलते ही हम और मोटिवेट होते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, रीट एग्जाम बहुत नज़दीक है तो उसी को लेकर मेरा मेन फोकस है। रीट और पटवार के एग्जाम में, जो कि जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा के पहले भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा। सरल लोलक क्या होता है? एक कील पर धागे के साथ बांधा हुआ एक पेंडुलम सरल लोलक है। तो एक कील पर धागे के साथ बांधा हुआ पेंडुलम जो है वो सरल लोलक है। अब इसकी स्थिति ऊर्जा हमने ज्ञात करनी है। अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट है अपनी मध्य स्थिति पर, जैसे पेंडुलम जो होता है वो घड़ी का पेंडुलम दोनों ओर गति करता है, सेम वही सरल लोलक की कंडीशन है, ये घड़ी के पेंडुलम की तरह ही गति करेगा। तो आप यही मान लें कि एक कील के साथ धागा बांधा और धागे के साथ हमने पेंडुलम बांध दिया तो वो सरल लोलक बन गया। अब ये इसकी मध्य स्थिति है और अभी ये गति नहीं कर सकता, लेकिन हमने क्या किया, इसको मध्य स्थिति से थोड़ा इस साइड विस्थापित कर दिया। यहां ले आए, इसको अल्प विस्थापित कर दिया। मान लो ये विस्थापन क्या, मैंने एक्स विस्थापन कितना किया एक्स, और जो धागे की लंबाई थी वो एल थी, धागे की लंबाई एल थी और विस्थापन कर दिया मैंने एक्स, विस्थापन कितना कर दिया एक्स। अब आप देखें, जब मैं इसको खींच के, इस लोलक को खींच के यहां ले आऊंगा इस जगह, इस पोजिशन पर, अब इसमें स्थिति ऊर्जा संचित हो जाएगी। अब अगर मैं यहां से छोड़ दूंगा तो ये गति करेगा मध्य स्थिति के दोनों ओर, जैसे ही मैं यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये इधर जाएगा मध्य स्थिति पर, फिर इधर आएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर आएगा। यानी अब ये मध्य, यहाँ से अगर मैं छोड़ूंगा इसको, इसका अल्प विस्थापन किया मैंने, यहाँ ले आया इसको, और फिर यहाँ से इसमें स्थिति ऊर्जा संचित होगी। तो मैंने जो इसके विस्थापन में कार्य किया, सरल लोलक के मध्य स्थिति से जो मैंने एक्स विस्थापन में कार्य किया, वही कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो सरल लोलक का मध्य स्थिति से अल्प विस्थापन के दौरान जो किया गया कार्य होता है वो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब ये संचित हो गया स्थिति ऊर्जा के रूप में, तो यहां इसमें स्थिति ऊर्जा आ गई। ये मान लो पॉइंट ए था, ए पॉइंट पर इसमें शून्य ऊर्जा थी, स्थिति ऊर्जा नहीं थी, लेकिन बी पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद इस सरल लोलक में स्थिति ऊर्जा आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जो इसका मध्य स्थिति से मैंने अल्प विस्थापन किया तो उस दौरान मेरे को कार्य करना पड़ा, तो मेरे द्वारा वो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो आपको कल भी मैंने बताया था कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम लोग स्थिति ऊर्जा कहते हैं। हमने देखना ये होता है कि ये स्थिति बी स्थिति पर, इसमें स्थिति ऊर्जा है या नहीं है। तो अगर मैं बी स्थिति से वस्तु को छोड़ूं, तो अगर वस्तु गति करने की क्षमता रखती है तो मतलब उसमें स्थिति ऊर्जा है। तो जैसे धागा बिल्कुल स्ट्रेट था, मैंने इसको बी पॉइंट पर ले आया इसको, अब अगर इसको छोड़ूं तो ये वापस इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, अब ये इधर भी आएगा वापस, ये सी पॉइंट पर भी आएगा, और फिर सी से वापस मध्य स्थिति पर जाएगा ए पॉइंट पर, ए से फिर बी पर जाएगा,
बी से फिर ए पर आएगा, ए से फिर सी पर जाएगा। तो इस प्रकार ये मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करेगा। तो इस अल्प विस्थापन के दौरान किया गया कार्य जो होता है वो स्थिति ऊर्जा में संचित हो जाता है। यानी अगर हम कार्य का सूत्र निकाल लें तो वही कार्य स्थिति ऊर्जा आएगी। अब न्यूमेरिकल ये आपके सामने देखो, अगर सरल लोलक का क्वेश्चन आता है, एक सरल लोलक का बल नीतांक 6×10⁴ न्यूटन प्रति मीटर है, इसे माध्य स्थिति से 1 सेमी खींचने में किया गया कार्य होगा। तो वो कार्य या स्थिति ऊर्जा भी कह सकता है कि इसे माध्य स्थिति से 1 सेमी खींचने में जो स्थिति ऊर्जा इसमें संचित होगी वो स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तो वो किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा में संचित होगा। अब देखो फार्मूला कैसे बनेगा इसका, वो देखें आप। यहाँ जो इस पर बल लग रहा है माध्य स्थिति पर, गुरुत्वीय बल बिल्कुल नीचे की ओर है, सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये जो बल है एफ बराबर एम जी है, एम जो है वो सरलोलक का भार है और जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। एफ बराबर एम ए फार्मूला हम पढ़ते हैं, लेकिन अब गुरुत्वीय बल अगर हम देखें तो एफ बराबर एम जी है। तो अब जब ये यहाँ आ गया तो इसका गुरुत्वीय केंद्र जो है अब यहाँ आ गया, ये इस पोजिशन पर आ गया, तो इसका गुरुत्वीय केंद्र इस दिशा में हो गया, क्लियर, इस दिशा में। तो ये इस डायरेक्शन में इसका गुरुत्वीय केंद्र है यूं, क्योंकि अगर ये यहाँ से गिरेगा, मान लो इसको मैंने खींचा, ऐसे चल रहा है ये, अब अगर ये गिरेगा तो बिल्कुल यहाँ नहीं गिरेगा, ये थोड़ा सा खिसक के यहाँ गिरेगा। तो इसका गुरुत्वीय केंद्र इस स्थिति में, पहले जो गुरुत्वीय केंद्र था वो इस पोजीशन पर था, बिल्कुल स्ट्रेट वाली पोजीशन पर, पहले जो गुरुत्वीय केंद्र था वो इस पोजीशन पर था एफ बराबर एम जी, बिल्कुल स्ट्रेट वाली माध्य स्थिति पर बिल्कुल स्ट्रेट था गुरुत्वीय केंद्र एफ बराबर एम जी। लेकिन जब हमने इसका एक्स विस्थापन कर दिया तो बीच में थीटा कोण बन गया, थीटा कोण, तो थीटा कोण, तो यहाँ गुरुत्वीय केंद्र हो गया एफ बराबर गुरुत्वीय बल जो होगा, गुरुत्वीय केंद्र थोड़ा इसका विस्थापित हो गया थीटा कोण से, तो इसलिए जो गुरुत्वीय बल आएगा एफ बराबर एम जी साइन थीटा आएगा। क्योंकि जब इसे विस्थापित किया जाता है तो इसका गुरुत्वीय केंद्र भी अल्प विस्थापित हो जाता है, तो माना इसका गुरुत्वीय केंद्र थीटा कोण से विस्थापित हो चुका है, तो जो गुरुत्वीय बल होगा एफ बराबर एम जी साइन थीटा होगा, एफ बराबर एम जी साइन थीटा। तो गुरुत्वीय केंद्र विस्थापित होने से जो गुरुत्वीय बल है वो होगा एफ बराबर एम जी साइन थीटा, एफ बराबर एम जी साइन थीटा। अब मेरे को साइन थीटा का मान रखना है, साइन थीटा का मान रखना है। देखो कैसे रखेंगे, ये सरल लोलक है, अगर मैं इसको अलग विस्थापित कर रहा हूँ एक्स, तो ये पूरा आप देखिए, अगर ये पूरा विस्थापित होता तो ये एक वृत्त बनता, यहां से एक वृत्त बनता, क्लियर। इसका मतलब ये वृत्त का एक चाप है, ये वृत्त का एक चाप है। तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, साइन थीटा का जो सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप कितना है एक्स और त्रिज्या हो गई एल, एल जो धागे की लंबाई है वही त्रिज्या होगी, उसके चारों ओर घूमेगा ये, क्लियर। तो चाप हो गया एक्स और त्रिज्या होगी एल, यानी साइन थीटा बराबर एक्स बटे एल। तो इस बेस पर जो एफ का मान बनेगा, एफ बराबर एम जी इंटू एक्स बटे एल, साइन थीटा का मान रख दिया एक्स बटे एल, चाप बटे त्रिज्या। एम जी बटे एल को हम लोग के कहते हैं बल नियतांक, एम जी बटे एल जो होता है वो होता है के बराबर बल नियतांक, बल नियतांक। तो ये बन गया एफ बराबर के एक्स। तो एम जी बटे एल को, एम जी बटे एल को बल नियतांक के कहा जाता है, तो एम जी बटे एल जो है वो बन गया के एक्स, एम जी बटे एल के एक्स बन गया, क्योंकि एम जो है वो लोलक का द्रव्यमान है, नियतांक रहेगा, जी गुरुत्वीय त्वरण है, नियतांक रहेगा, एल धागे की लंबाई है वो भी नियतांक रहेगी। तो एम जी बटे एल को हम लोग बल नियतांक कह देते हैं, बल नियतांक के से इसे लिखते हैं, तो एफ बराबर के एक्स बन गया। अब मेरे को ज्ञात करने कार्य, कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो ये मानना हमने अल्प विस्थापन, हमने क्या लिखा है अल्प विस्थापन, तो मानना अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य
डी डब्ल्यू, क्योंकि विस्थापन अल्प है तो कॉमन सी बात है कार्य भी अल्प ही होगा, तो डी जो है वो अल्प थोड़े परिवर्तन के लगाया जाता है। तो अल्प विस्थापन माना, अल्प विस्थापन जो है वो डी एक्स है, अल्प विस्थापन कितना है डी एक्स। तो अल्प विस्थापन के लिए किया गया, अल्प विस्थापन के दौरान किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर एफ बल इंटू विस्थापन, अल्प विस्थापन है तो अल्प विस्थापन को डी एक्स से लिखा जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर, अब एफ का मान रखते हैं, क्या माना है एफ का, के एक्स, के एक्स इंटू डी एक्स, के एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन कर दें तो डी डब्ल्यू का समाकलन अगर मैं करूं, जीरो से डब्ल्यू, लिमिट दे दी गई क्या, जीरो से डब्ल्यू, और एक्स डॉट डी एक्स के समाकलन की लिमिट दे दी गई जीरो से एक्स, यानी पहले ये जीरो पॉइंट, कोई विस्थापन नहीं था इसका, माध्य स्थिति पर था तो जीरो, अब विस्थापन कितना हो गया एक्स, तो जीरो से एक्स, क्लियर। अब कार्य हो गया जीरो से डब्ल्यू, यानी पहले इस पर कोई कार्य नहीं किया गया था, एक्स विस्थापन के दौरान इस पर डब्ल्यू कार्य किया गया, तो जीरो से डब्ल्यू और विस्थापन कितना किया एक्स, तो पहले माध्य स्थिति पर कोई विस्थापन नहीं था, जीरो विस्थापन था, और बी स्थिति पर इसको जब मैं लेके गया तो मैंने एक्स विस्थापन कर दिया, तो जीरो से एक्स विस्थापन किया गया, क्लियर। अब डी डब्ल्यू का जो समाकलन होता है वो होता है डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का समाकलन वन डॉट डी डब्ल्यू आई, वन डॉट डी डब्ल्यू, वन डॉट डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस जीरो, तो वन डॉट डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू, लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट डब्ल्यू है, क्लियर, बराबर के का के ही आ जाएगा। एक्स डॉट डी एक्स का जो समाकलन होगा वो एक्स स्केयर बटे दो होगा, कैसे वो भी अभी बता देता हूँ, एक्स स्केयर बटे दो, ये आ गया जीरो से एक्स। अब ये एक्स स्केयर बटे दो कैसे है, समाकलन देखें, अगर हमने समाकलन मान लो मेरे को एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स का समाकलन करना है, एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स का समाकलन, तो ऐसी स्थिति में समाकलन करते, जब हम समाकलन करते हैं तो पावर में हम एक ऐड कर देते हैं, तो जो नई पावर बनती है वो एक्स एन प्लस एक, पावर में एक ऐड कर दिया, तो पहले पावर कितनी थी एन थी, अब नई पावर बन गई एन प्लस एक, और जो नई पावर बनी उसी से ही हम डिवाइड कर देते हैं बटे एन प्लस एक। अब यहाँ देखें, ये था एक्स की पावर एक, एक्स की पावर एक, तो जब ये एक्स की पावर एक था तो एक्स की पावर एक डॉट डी एक्स का समाकलन क्या बनेगा, तो एन का मान एक रख के देखो, एक्स की पावर एक प्लस एक, एक प्लस एक कितना होगा दो, यानी एक्स की स्केयर बटे एक प्लस एक, यानी एक प्लस एक यानी दो, तो एक्स की स्केयर बटे दो, तो इस प्रकार ये समाकलन आ गया एक्स की स्केयर बटे दो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें तो डब्ल्यू माइनस जीरो डब्ल्यू आएगा, के का के ही आ गया, अपर लिमिट यहाँ एक्स रखें, लोअर लिमिट यहाँ जीरो रखें, तो एक्स स्केयर बटे दो माइनस जीरो स्केयर बटे दो, यानी ये आ जाएगा एक्स स्केयर बटे दो। तो इस प्रकार जो किया गया कार्य होगा, सरल लोलक को माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन के दौरान किया गया कार्य W बराबर हाफ के एक्स स्केयर, यही इसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब टेंथ की बुक में ये फार्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, ये फार्मूला आया कैसे है वो सारा आपके सामने है, यही इसकी स्थिति ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी EP बराबर एक बटे दो के एक्स स्केयर, एक बटे दो के एक्स स्केयर। अगर स्प्रिंग का भी माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन कहता है तो भी यही सूत्र बनेगा। अगर आपको सरल लोलक की बजाय क्वेश्चन में स्प्रिंग दे दे, माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन कहे या माध्य स्थिति से विस्थापन कहे, तो यही फार्मूला बनेगा, ईपी बराबर हाफ के एक्स स्केयर। तो ये फार्मूला आपकी टेंथ की बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, ये फार्मूला बना कैसे, एक एक स्टेप आपके सामने है। अब आप देखें जो क्वेश्चन था आपके पास, एक सरल लोलक का बल नियतांक यानी के आपको दिया हुआ है, एक सेमी आपने इसे खींचना है, बल नियतांक न्यूटन प्रति मीटर में दिया हुआ है, और जो माध्य स्थिति से आपने खींचा है वो सेमी में दिया हुआ है, तो पहले इसको मीटर बना लें, तो एक सेमी में मीटर 100/100 करेंगे आप मीटर बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा 0.01 मीटर, तो विस्थापन हो गया 0.01 मीटर। अब आप वैल्यू पुट कर दें, ईपी बराबर एक बट्टे दो इंटू के आपको दिया हुआ है 6×10⁴ इंटू एक्स स्केयर, एक्स हो गया विस्थापन 0.01 है, 0.01 इंटू 0.01, पॉइंट उठाएंगे बट्टे में 100, पॉइंट उठाएंगे बट्टे में 100, ये 100×10⁴ कट गया, तो ये आ गया 3 से कट गया, ये
तो ये ईपी बराबर आपका आंसर आ गया कितना, 3 जूल। ईपी बराबर 3 जूल। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी, 3 जूल। तो साथियों ये था सरल लोलक का वीडियो, जिसमें हमने सरल लोलक के सारे कॉन्सेप्ट, जो फार्मूला है उसका कैसे आया है, माध्य स्थिति पर उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन जब हम उसे विस्थापन के लिए बी पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करेगा, क्लियर, यानी पेंडुलम की तरह व्यवहार करेगा। घड़ी का पेंडुलम कह दे माध्य स्थिति से तो भी यही फार्मूला है, स्प्रिंग कह दे माध्य स्थिति से तो भी यही फार्मूला है, सरल लोलक कह दे माध्य स्थिति से तो भी यही फार्मूला है। तो साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।